फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी में। दोस्तों, आज हम आपको हैंड्स केयर के 4 रूटीन्स बताएंगे और जिसे आपको लगातार फॉलो करना है इसी तरह से, तो आपके हाथों की स्किन बहुत ही ज़्यादा गोरी और सॉफ्ट हो जाएगी। हाथों को मुलायम बनाने के लिए हम करेंगे सबसे पहले क्लींजिंग, और क्लींजिंग करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है हल्का गर्म पानी, और इसमें डालिए 1 चम्मच शैम्पू और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी नींबू का रस, और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके अपने हाथों को 15 मिनट के लिए आप इसी पानी में डालकर रखिए। इससे आपकी स्किन की जितनी भी डेड स्किन सेल्स है वो बाहर आ जाएंगी और आपके हाथ बहुत ही ज़्यादा नरम और सॉफ्ट हो पाएंगे। तो नेल्स की क्लींजिंग के लिए आप कोई भी ब्रश ले लीजिए जिससे आपके नेल्स की येलोनेस ख़त्म हो जाएगी। तो आप एक ब्रश की हेल्प से अपने नेल्स की सफाई कीजिए कुछ इस तरीके से, और 15 मिनट तक अपने हाथों को इसी पानी में डिप करके रखिए ताकि आपकी स्किन अंदर से स्मूथ और सॉफ्ट हो जाए। एंड आफ्टर 15 मिनट्स आप अपने हाथों को सादा पानी से धो लें और किसी भी साफ कपड़े से साफ कर लें। तो हमारा दूसरा स्टेप है स्क्रबिंग, और स्क्रब बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच राइस पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच गुलाब जल और 1/2 चम्मच नींबू का रस डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से प्रॉपरली मिक्स कर लें। तो यहाँ पर आपका एक अच्छा स्क्रब बनकर तैयार हो जाएगा। स्क्रब करने से हमारी स्किन एक्सफोलिएट रहती है जिससे हमारी स्किन के जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और हमारे हाथों को भी बहुत अच्छा लगता है। इससे आपके हाथों की जितनी भी थकान है वो भी थोड़ी दूर होगी और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो आप 5 मिनट के लिए इस तरह से स्क्रब करें अपने हाथों पर, और स्क्रब करने के बाद आप अपने 5 मिनट के बाद अपने हाथों को सादा पानी से धो लें। अब हम बनाएंगे अपने हाथों को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाने के लिए पैक, जिसमें मैंने लिया है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 2 चम्मच रोज़ वाटर, और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच नींबू का रस, और फिर से मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, मुल्तानी मिट्टी स्किन वाइटनिंग का एक मिरेकल फॉर्मूला होता है। ये हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है और आपकी हाथों की स्किन को टाइट बनाने में भी हेल्प करेगा। अगर आपके स्किन पर किसी भी तरह के रिंकल्स हैं तो ये उन्हें भी दूर करेगा और आपके हाथों को खूबसूरत और मुलायम बनाएगा। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसे अपने हाथों पर कुछ इस तरह से अप्लाई कर लें। तो कुछ इस तरह से अप्लाई करने के बाद आप इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दें और अपने हाथों से कुछ भी काम ना करें। तो 5 मिनट के बाद आप अपने हाथों को धो लें, इससे आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगी। अब लास्ट में हम करेंगे मॉइस्चराइजिंग। इसके लिए आप अपनी कोई भी मॉइस्चराइज क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉइस्चराइज करने से आपके हाथों की स्किन जो है वो हाइड्रेट रहेगी और आपकी स्किन मुलायम रहेगी। तो इस तरह से आप अपने हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज रखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा फुल हैंड्स केयर रूटीन। पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। फ्रेंड्स, इससे आपके हाथों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, और सर्दियों की इस मौसम में इस हैंड्स केयर रूटीन को ज़रूर फॉलो कीजिए। डेली ना सही, आप तीसरे दिन आप अपने हाथों को कुछ इस तरह से रिपेयर कीजिए और स्किन पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं नैना मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटीफुल।